गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कनेक्टर्स। करंट कैरिंग कनेक्टर्स हैं, उनके बीच में फोर्स निकालने जा रहे हैं हम, ठीक है ना? कैसे? जैसे हम पहला केस ले लेते हैं कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कनेक्टर्स हैं। कैसे कनेक्टर्स हैं? पैरेलल, पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है? दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं। कैसे? ध्यान से सुनो, एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। दोनों में कैसा करंट जा रहा है बेटा? दोनों इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, लॉन्ग और पैरेलल जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, नो प्रॉब्लम। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? दोनों के बीच की दूरी है डी, ठीक है? इसमें करंट जा रहा है मान लो आई वन, इसमें करंट जा रहा है मान लो आई टू, सही है? पक्का? तो हो क्या रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? करंट कैरिंग वायर इधर है और थंब इधर है, पाम जो फिंगर्स हैं इधर है, राइट हैंड की पाम अंदर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर अंदर यहाँ पे ऐसे, और कितनी होगी? बी वन होगी। और बी वन का फॉर्मूला म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई डी। बोलो, समझ में आई मेरी बात? ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी, और कितनी होगी बाहर? मतलब बी टू, और कितनी होगी? म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई डी। बोलो, समझ में आया? सही है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड आ गए अंदर और बाहर, है ना? अब ये देखो कि बी वन मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर पड़ी है, लॉन्ग है। कैसे कंडक्टर्स हैं? लॉन्ग। बी वन मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग वायर पड़ी है, जैसे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना? मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर टू डी एफ आई टू डी एल क्रॉस बी वन। बोलो, सही है? ये लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कितना होगा डी एफ टू आई टू डी एल, कितना है? इसके ऊपर डी एल लेंगे हम एलिमेंट, ये एलिमेंट ले लिया मान लो, ये कितना एलिमेंट है? डी एल, सही है? करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, डी एल ऐसे है मान लो, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स इधर लगेगा, पाम इधर आ रही है, ये लगेगा इस एलिमेंट पर फोर्स, कितना लगेगा इस एलिमेंट पे फोर्स? ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ध्यान से देखो, ये फोर्स होगा, कितना होगा? ये डी एफ टू, क्योंकि होगा आई टू, डी एल और बी में एंगल, डी एल और बी में एंगल, डी एल की डायरेक्शन ऊपर ही होगी जो करंट की डायरेक्शन है, और बी का है अंदर, तो एंगल 90 डिग्री, तो डी एल और साइन 90 डिग्री की वजह से वन आ गया और ये आ गया म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई डी। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई टी, सही है? ये आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। बोलोगे सम दिक्कत? सही है, इसके ऊपर आ गया। अब ऐसे इसके ऊपर निकालेंगे जो हम, देखो इस पर एलिमेंट लिया डी एल, से इस पर एलिमेंट लिया डी एल, उस पर करंट ऊपर है ना, तो डी एफ वन कितना होगा? फोर्स ऑन वन कितना होगा? आई वन टी एल क्रॉस पी टू, आई वन डी एल क्रॉस बी टू, ऐसे इन्फाइनाइट है, ऐसे ये भी इन्फाइनाइट है, ठीक है? सही होगा, तो डी एफ वन कितना होगा? आई वन डी एल कितना है? डी एल तो डी एल है, और एंगल कितना है डी एल और बी में? डी एल ऊपर है और बी बाहर है, एंगल 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री वन, और ये बी टू, ये रहा म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई डी। तो डी एफ वन अपॉन डी एल इज इक्वल टू डी एफ टू अपॉन डी एल आ गया। फोर्स ऑन वायर वन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू फोर्स ऑन वायर टू पर यूनिट लेंथ आ गया। बोलो, सही है? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत?
थोड़ा और गर्म ले आओ यार, ये थोड़ा ठंडा है, थोड़ा गर्म ले आना। ठीक है भाई, फोर्स पर यूनिट, फोर्स ऑन वायर वन पर यूनिट लेंथ, फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑन वायर टू पर यूनिट लेंथ आ गया। ठीक है, और डर ये कैसे आ रहा है, देखो करंट ऊपर है, डीआर की डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फिंगर्स बाहर, पाम ऊपर, सॉरी राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स बाहर, तो पाम का आ रही है इधर आ रही है, इधर आ रही है, यानी फोर्स इधर लग रहा है, ये लग रहा है फोर्स कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ये कितना फोर्स है, फोर्स ऑन वायर वन, ठीक है ना, सही है, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अट्रैक्ट कर रहे हैं टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से ये बात समझ में आई, बोलो क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो पैरेलल हुए, अगर एंटी पैरेलल कंडक्टर होते तो, एंटी पैरेलल कंडक्टर होते तो क्या करता, देखो तो क्या फ़र्क होता, सबसे पहली बात इसको फोर्स को हटा देता हूँ यहाँ से, डायरेक्शन हटा देता हूँ, देखो ध्यान से ये हटा रहा हूँ, ध्यान से देखना चीज़ों को, ठीक है, समझ में आएंगी चीज़ें, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो मैंने क्या करा, मैंने दो कनेक्टर लिए, एक कनेक्टर तो ले लिया ये और एक कनेक्टर ले लिया ये, एक में करंट जा रहा है ऊपर, एक में करंट जा रहा है नीचे, सही है, नो प्रॉब्लम, पैरेलल है इस बार कनेक्टर, पैरेलल इस बार भी है, एंटी पैरेलल लिख लो इस वर्ड को ना, ठीक है ना, अपोजिट, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, दूरी इनके बीच में d है, ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया हमने dl, ठीक, अब सुनो, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अभी भी क्रॉस होगी, और कितनी होगी, यही होगी कि नहीं होगी, यूनिट I1 अपॉन 2 पाई d, इनफन लॉन्ग वायर से, ठीक है ना। अब इस करंट कैरिंग एलिमेंट जिसमें डी एल वैक्टर नीचे है और बी का है अंदर है, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, डी एल की तरफ थंब और बी की तरफ फिंगर्स, तो पाम इधर आ रही है, बोलो सही है, पाम का आ रही है, इधर आ रही है, तो ये कितना हो गया फोर्स, ऐसे आ गया, और फोर्स होगा कितना, यही होगा फोर्स, यही होगा कि नहीं होगा, बोलो फोर्स तो यही होगा, I2 DL क्रॉस B1, और DL और B में एंगल कितना, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री से 1 हो गया, तो DF2 आ गया I2 DL B1, ये रहा यूनिट I1 अपॉन 2 पाई डी, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लिया, इस डायरेक्शन में आ गया, बोलो सही है। सिमिलरली इस करंट कैरिंग वायर की वजह से करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे आएगी, अंदर, कैसे आएगी, अंदर, अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है, तो यहाँ भी एक एलिमेंट मान लिया हमने, इसमें करंट है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो करंट की तरफ थंब, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स राइट हैंड की, तो पाम इधर आ रही है, देखो आ रही है, तो फोर्स आ गया इधर, फोर्स आ गया इधर, और कितना फोर्स आ गया, वन वायर के ऊपर, फोर्स ऑन वायर वन कितना आ गया, आई वन डी एल क्रॉस बी टू, इसकी वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड होगी, डी एल और बी टू में एंगल 90 डिग्री फिर से, क्योंकि डी एल ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एंगल 90 डिग्री, ठीक है, डाल दिया, ये आ गया फिर से फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर वन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर टू। अब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से ये दो वायर से कर रही है, रिपेल कर रही है, क्या कर रही है, रिपेल, ये दोनों केस समझ में आया आपको, अट्रैक्ट वाला केस और रिपेल वाला केस समझ में आया आपको, ठीक है, दोनों केस आपको अच्छे से समझ में आए, यहाँ न्यूटन लॉ दोनों में ओबे कर रहा है, न्यूटन लॉ ओबे कर रहा है, जो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन लॉ ओबे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, मैंने दो वायर ली जिसमें से एक तो लॉन्ग ली और एक लॉन्ग नहीं ली, और अब फोर्स आना चाहता हूँ, ठीक है, देखो ये तो अभी तक हमने पढ़ा बोर्ड के लिए और नीट के लिए, अब मेन जो एडवांस के लिए कंपटीशन के लिए अगर मैं बात करूं तो कैसे पूछेगा। देखो
अब कंपटीशन के लिए बताता हूँ कैसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई करंट कैरिंग वायर है, लॉन्ग है, क्या लॉन्ग वायर है, नो प्रॉब्लम, सही है, आई वन, ये लॉन्ग है, इसके सामने यहाँ पर एक वायर रख दिया, ऐसे टुकड़ा रख दिया, ये रख दिया टुकड़ा वायर का, ये लॉन्ग नहीं है, ये फाइनाइट है, इसमें करंट जा रहा है, मान लो ऐसे आई टू, ध्यान से देखो चीज़ों को, करंट ऐसे जा रहा है आई टू, आई टू, सही है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कितनी है, ये दूरी मान लो है ए, ए दूरी है, और ये वायर की लेंथ कितनी है, वायर की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल, कितनी लेंथ है एल, सही है, तो वन वायर ने टू वायर के ऊपर कितना फोर्स लगाया, फाइन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर टू, ठीक है, वायर टू ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, दूसरा टॉर्क ऑन वायर टू अबाउट, इस पॉइंट को ले लेते हैं ओ, ठीक है ना, अबाउट ओ, ये दो पार्ट आपसे पूछ लिए, कंपटीशन में आपसे ये पूछेगा, ठीक है, कैसे हैंडल करेंगे अब, आप सभी बच्चे जानते हैं जिसके ऊपर फोर्स पड़ना है उस पर एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा, मैंने डीएल एलिमेंट पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, डीएल एलिमेंट पढ़ा, ये डीएल एलिमेंट पढ़ा, इज व्हाट डीएल एलिमेंट, और इस डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में, ठीक है ना, बोलो सही है, इसकी वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यहाँ मान लो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यहाँ पे, कितनी दूरी पे, एक्स दूरी पे, जो डीएल एलिमेंट है वो डीएक्स थिकनेस का है, कितनी थिकनेस का है, मान लो डीएक्स थिकनेस का, वो कहाँ बनेगी, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अंदर बनेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वायर वन की वजह से वो बनेगी अंदर, और कितनी बनेगी, म्यू नॉट आई वन वन टू पाई एक्स, और कहाँ बनेगी, अंदर, सही है, पक्का। अब देखो इस एलिमेंट के ऊपर देखो फोर्स, फोर्स ऑन एंड फोर्स ऑन डी एफ, फोर्स ऑन टू वायर क्या होगा, आई टू डी एल क्रॉस बी वन, ठीक है, आई टू डी एल डी एल डी एल डी एक्स बी वन, बी वन मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, यूनिट आई वन अपॉन टू पाई एक्स, यूनिट आई वन अपॉन टू पाई एक्स, और दोनों के इसमें एंगल डी एक्स इधर है और बी अंदर है, एंगल 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री से वन आ गया, फोर्स आ गया, ये क्या आ गया, फोर्स आ गया, इसको इंटीग्रेट करूँगा जब मैं, क्या करूँगा इसको जब मैं इंटीग्रेट, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी एक्स अपॉन एक्स बनेगा, डी एक्स अपॉन एक्स बनेगा, और लिमिट्स कहाँ तक जाएंगी, ये वाला एंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ए से, और ये वाला एंड ए प्लस एल तक, तो ए से ए प्लस एल, तो ये टोटल फोर्स आ जाएगा टू वायर के ऊपर, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी एक्स अपॉन एक्स का बनता है इंटीग्रेशन एल एन एक्स, अपर लिमिट डालूंगा ए प्लस एल, लोअर लिमिट डालूंगा ए, तो एल एन ए प्लस एल माइनस एल एन ए, लॉग ए माइनस लॉग बी से बनेगा लॉग ए अपॉन बी, एल एन ए प्लस एल अपॉन ए, तो आएगा एल एन ए प्लस एल अपॉन ए, ये बनेगा फोर्स ऑन वायर टू, बनेगा फोर्स ऑन वायर टू, सही है, पक्का, इस वायर की वजह से इस पर फोर्स बनेगा, और डायरेक्शन कहाँ आएगी, आई टू ऐसे है बी अंदर है, तो डायरेक्शन आएगी ऊपर, ये डी एफ टू ऊपर आएगा, ये फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है, और यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑबे नहीं होने वाला, यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑबे नहीं होने वाला,
जो इस वायर कर इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है इस वायर के ऊपर ऊपर लग रहा है, लेकिन इस वायर की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहीं पे भी होगी उसकी वजह से फोर्स नीचे नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। न्यूटन थर्ड लॉ इज नॉट वैलिड, समझ में आया आपको? पहला पार्ट समझ में आया, दूसरा पार्ट अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे। देखो हमने सब कुछ निकाल ही रखा है, दूसरा पार्ट समझाता हूँ। देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनना ना। ये डी एफ टू लिखा हुआ है ओ पॉइंट के वोट है ना। देखो मेरी बात सुनो, हम किसी पॉइंट के वोट पढ़ सकते हैं, वोट ओ कह रहा था वोट ओ भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। मैं कोई बात बताऊँ बात क्या है बेटा, अब आपको ध्यान से देखना होगा तो यहाँ पर ओ पॉइंट पे फोर्स बड़ा होगा या छोटा होगा बजाय की इस एंड के। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है तो यहाँ फोर्स भी बड़ा होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड छोटी है तो यहाँ फोर्स भी छोटा होगा, समझे? वो अलग बात है, फोर्स हमेशा अलग अलग होगा। तो यहाँ से एक्स दूरी बात करें तो ओ पॉइंट के वोट बात करनी है मेरे को, तो टॉर्क, टॉर्क लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको हटा रहा हूँ मैं। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर आर्म, छोटी टॉर्क, छोटी टॉर्क होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर आर्म, परपेंडिकुलर आर्म अबाउट एक्सिस, एक्सिस से जितनी दूरी पे फोर्स लग रहा है, एक्सिस ओ है तो यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है, ये दूरी कितनी है, ये कितनी दूरी है, ये लिखनी है कितनी दूरी है। देखो एक्स में से क्या गया, ए गया एक्स माइनस ए, बोलो सही है। तो डी टाउ क्या आ जाएगा, डी एफ टू म्यू नॉट आई वन आई टू टू पाई डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, डी एक्स माइनस ए डी एक्स अपॉन एक्स लिमिट लिमिट ए से ए प्लस एल, ए से ए प्लस एल, बोलो समझ में आई बात? क्या किया, एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई किया तो एक्स डी एक्स और नीचे एक्स था, एक्स एक्स कटे डी एक्स, अच्छा माइनस ए डी एक्स अपॉन एक्स, ए डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एल डी एक्स का एक्स हो जाएगा, ए प्लस एल माइनस ए, ए से ए कट जाएगा एल आ जाएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो ए बाहर आ जाएगा, एल एन ए प्लस एल अपॉन ए आ जाएगा, अभी भी सीखा ना। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा अबाउट ओ, अबाउट ओ म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई एल माइनस ए एल एन ए प्लस एल अपॉन ए, दिस इज टॉर्क, बोला समझ में आया? टॉर्क अबाउट ओ, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते थे आप, इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालते अबाउट ए निकालते, मान लो अगर आप लिखते टॉर्क अबाउट ओ लिखा है आपने फिलहाल, अगर आप टॉर्क अबाउट ए निकालते, ए निकालते तो फोर्स लेते डी एफ टू और परपेंडिकुलर आर्म क्या लेते आप, परपेंडिकुलर आर्म इस बार आप लेते ही, ये तो x प्लस, देखो मेरी बात, a प्लस l में से, a प्लस l में से क्या चला जाता x, तो ये बचता a प्लस l में से x चला जाता, दिस इज टॉर्क अबाउट a एंड दिस इज टॉर्क अबाउट o, दोनों बातों में फर्क समझ में आ रहा है, ये पता होना चाहिए आपको, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर्स निकालना आया, पैरेलल एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर भी निकलवाया मैंने आपको, और न्यूटन थर्ड लॉ कहीं ओ भी था कहीं नहीं था, ठीक है ना, और इवन मैंने आपको टॉर्क भी निकालना सिखाया, ठीक है।